हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडली मिनी सेंस पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट सेमेस्टर का ये टॉपिक है, HAP से उठाया गया है। काफ़ी लंबा टॉपिक है और ये सिर्फ बी फार्मा के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये जो टॉपिक है ये मुझे लगता है हर एक मेडिकल फील्ड में फर्स्ट ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज़ की रूट यहीं से स्टार्ट होती है, है ना। आगे चल के एब्जॉर्प्शन पढ़ोगे ना, तो एब्जॉर्प्शन के लिए भी आपको यही डिटेल्स पढ़नी रहेगी, इन्हीं का बेसिक्स पढ़ना रहेगा। तो चलो देर क्यों करें, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन से होने वाला ट्रांसपोर्ट। सेल सभी जानते हैं क्या होती है। सेल हमारी बॉडी की फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। उस यूनिट में एक ऊपरी एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन से कई सारे न्यूट्रिएंट्स अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। अब ये जो भी मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ये सभी मॉलिक्यूल सेम टू सेम नहीं होते हैं। कोई इनमें लिपिड सॉल्युबल होता है, कोई वाटर सॉल्युबल होता है, और सभी का अपना अपना केमिकल नेचर है। इसी केमिकल नेचर के बेस पर ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी अलग अलग फॉलो करते हैं। तो उसी बेस पर हम अलग अलग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। पहली ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो है वो उसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म दो तरह की हो गई, एक हो गई पैसिव, एक हो गई एक्टिव। पैसिव का मतलब आप समझ ही गए होंगे, पैसिव का मतलब एक ऐसा मेथड जिसके अंदर एनर्जी नहीं अप्लाई हो रही है, है ना, और एक्टिव का मतलब जिसके अंदर एनर्जी अप्लाई हो रही है। डिटेल में बाद में चली जाऊंगी, बस अभी अलग अलग टाइप्स बता देती हूँ। पैसिव के अंदर आ जाते हैं सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड बाइलेयर, नेक्स्ट आता है सिंपल डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर, फिर अगला आता है कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन, और लास्ट होता है स्पेशल टाइप। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आ जाते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक और होता है स्पेशल टाइप एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो चलो वन बाय वन सभी को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे पहला ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो हम पढ़ने वाले हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम डिफ्यूजन भी कहते हैं या डाउनहिल मूवमेंट भी कह सकते हैं। डाउनहिल मतलब क्या, एक पहाड़ है सपोज, उस पहाड़ के ऊपर से आपने एक बॉल फेंक दी, क्या होगा, वो जो बॉल है वो लुढ़कती हुई, फेंकी नहीं मीन्स लुढ़का दी, है ना, लुढ़कती हुई कैसे जाएगी, उस ग्रेविटी के साथ नीचे जाती जाएगी। इसे हम कहते हैं डाउनहिल प्रोसेस। डाउनहिल मतलब क्या, जो दिशा है उसी दिशा में चीज चली जा रही है। वैसे ही पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है। अब कई लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, उनको बिल्कुल आसान शब्दों में समझा देती हूँ। हम जब सुबह सुबह पूजा पाठ करते हैं तो अगरबत्ती लगाते हैं, है ना, एक कोने में अगरबत्ती लगाते हैं भगवान के पास में, लेकिन खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है, कैसे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चल रहा है ना। जहां आपने अगरबत्ती लगाई थी वहां धुएं की या खुशबू का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, है ना, और बाकी जगह पे कम था। तो कम कम में हमें ज्यादा लाना है ना, तो ज्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूवमेंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि एक जगह कम है कॉन्सेंट्रेशन, एक जगह ज्यादा है, तो उस हिसाब से जो ज्यादा वाली चीज है वो कम की तरफ धीरे धीरे खुद से ही मूव होना शुरू हो जाएगी। इसे हम कहते हैं डाउनहिल प्रोसेस। यहाँ पे एनर्जी की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है। क्यों एनर्जी की जरूरत होगी, अगर एक बॉल को ऊपर से लुढ़काओगे तो उसको नीचे जाने के लिए खुद से एनर्जी थोड़ी ना चाहिए, कोई सपोर्ट थोड़ी ना चाहिए, वो तो लुढ़कती जाएगी क्योंकि ग्रेविटी लग रही है वहां पे, कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, फोर्स लग रहा है, ग्रेडियंट लग रहा है, तो वहां पे एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस तरह की जो भी मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, अब देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर फर्दर तीन चीजें आती हैं। मतलब अगर हमें पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ना है तो हम आमतौर पे तीन हेडिंग्स में पढ़ते हैं। अब कोई कहना नहीं कि मैम आपने चार क्यों लिखी है, समझा रही हूं। पहला है सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर, है ना, लिपिड बाय लेयर है। लिपिड लेयर कौन सी है, लिपिड बाय लेयर हम किसको कह रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन को, है ना। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर आप सभी ने पढ़ा होगा तो वो लिपिड बाय लेयर होती है। नेक्स्ट आता है सिंपल डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर, मतलब यहाँ पे जो प्रोटीन में भी कुछ सब्सटेंसेज अपने सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं, उनके थ्रू अगर डिफ्यूजन हो रहा है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेटेड या कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन, यानी यहाँ पे आपको एक कैरियर की जरूरत पड़ रही है। और आखिरी आता है स्पेशल टाइप। स्पेशल टाइप को ना अलग से काउंट किया जाता है, इसलिए हम मेन तीन हेडिंग में ही लिखते हैं। स्पेशल टाइप अपने आप में ऐसी कुछ डिफरेंट चीजें आ जाती हैं जिनको हम
काउंट साथ में नहीं कर सकते लेकिन उनको अलग भी नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए इसको स्पेशल टाइप नाम दे दिया। अच्छा, कई लोगों को लगेगा मैम कॉन्टेंट कहाँ से लिया है, कौन सी बुक से पढ़ा रहे हो, पहले बता देती हूँ, सैम्युलिंगम से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट कर रहे हैं। सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर या लिपिड बाय लेयर। अब फॉस्फोलिपिड लेयर होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, तो लाइक डिसॉल्व लाइक, सभी ने सुना हुआ है ना, एक जैसी संगति ही हमको अच्छी लगती है। वैसे ही जो भी केमिकल कंपोनेंट लिपिड नेचर के होते हैं वो इजीली इस लिपिड लेयर को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, लिपिड लेयर को क्रॉस कर जाते हैं आराम से, जैसे कि अल्कोहल ले लो, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये इजीली क्रॉस हो जाते हैं। तो इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर। अगला आता है सिंपल डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर। अब ये सुनो, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कई कंपोनेंट जो कि कैसे हैं, लिपिड सॉल्युबल नहीं है यानी कि वाटर सॉल्युबल है, बेचारे वो कहाँ जाए, सेल के अंदर उनका काम है, उनको भी सेल के अंदर जाना है, तो वो लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो वाटर सॉल्युबल है ना कि लिपिड सॉल्युबल, तो वो घुल कर तो नहीं निकल पाएंगे, उनको जरूरत क्या कर पड़ेगी, किसी ना किसी दरवाजे की, किसी ना किसी गेट की। अब ये गेट कौन होते हैं, ये जो गेट्स होते हैं ये चैनल्स होते हैं, ये प्रोटीन के बने हुए चैनल्स होते हैं। इन चैनल्स के थ्रू कोई भी केमिकल मोइटी जो कि वाटर सॉल्युबल नेचर की है वो इनकी मदद से सेल के अंदर एंट्री लेती है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सिंपल डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर, यानी प्रोटीन के मदद से किसी भी केमिकल का या किसी भी मोइटी का ट्रांसपोर्ट होना, ठीक है। तो यहाँ जो प्रोटीन है वो चैनल की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि गेट की तरह। तो यहाँ देखो, एक ये वाली इमेज देखो, एक ये वाली इमेज देखो, ये क्या है, ये एक पोर की तरह काम कर रहा है, ये एक प्रोटीन का चैनल है जो कि अनगेटेड नेचर का है, अनगेटेड चैनल है, यानी कि यहाँ से कोई भी मॉलिक्यूल जो कि इसको क्रॉस कर सकता है, जो कि इसके साइज का है, वो आराम से इसमें से क्रॉस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, डिफ्यूजन थ्रू अनगेटेड चैनल। बट कई सारे ऐसे चैनल्स होते हैं जो कि गेटेड होते हैं, गेटेड होते हैं मतलब उसमें एक दरवाज़ा होता है, जैसे हमारे घर में हम एंट्री लेते हैं तो दरवाज़ा बंद है, उसकी कुंडी लगी हुई है, हम क्या करते हैं कुंडी को खोल देते हैं और अंदर चले जाते हैं। अब अंदर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, कुंडी को खोलना पड़ा ना, उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन थ्रू गेटेड चैनल के अंदर कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाया जाता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है जिसकी मदद से दरवाज़ा खुल जाता है, गेट ओपन हो जाता है, और तभी वो केमिकल मोइटी अंदर जा पाती है सेल के। अब ये चीज़ डिपेंड करती है कि कौन सा चैनल यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे अलग अलग तरह के चैनल्स होते हैं, मतलब उसको हम बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन चैनल्स। सबसे पहला होता है वोल्टेज गेटेड, दूसरा होता है लिगेंड गेटेड, और तीसरा होता है मैकेनिकल गेटेड। वोल्टेज गेटेड मतलब जब ECF और ICF में वोल्टेज में चेंजेस आएंगे तब ही ये गेट्स ओपन होंगे। लिगेंड गेटेड मतलब होता है अगर कोई स्पेसिफिक केमिकल आके उस गेट पर अटैच होगा तभी वो गेट ओपन होगा। मैकेनिकल गेटेड मतलब क्या, डिफरेंट टेम्परेचर या प्रेशर में चेंजेस आएंगे तभी गेट ओपन होगा। अब यहाँ मैंने बना के तो नहीं दिखाया है लेकिन डिटेल में समझा रही हूँ, सुनते जाना समझते जाना। पहला होता है वोल्टेज गेटेड चैनल, है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात कर लेते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन सभी जानते हैं, जहाँ पे नर्व और मसल्स मिलती हैं उसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, जब कैल्शियम चैनल्स को ओपन होना होता है तो कैल्शियम चैनल्स ऐसे ही नहीं ओपन हो जाते हैं, कैल्शियम चैनल वहाँ पर एक स्पेसिफिक वोल्टेज के पहुँचने पर ही ओपन होते हैं, और जब कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं तब हमारी मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं किसकी, सोडियम चैनल्स की बात कर लो, सभी लोगों ने न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन अगर स्कूल में पढ़ा हुआ होगा, है ना, अगर नहीं पढ़ा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन में क्या होता है, सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं। कब होते हैं सोडियम चैनल्स ओपन, जब क्या होगा, एक्शन, कोई स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस आएगा तब, है ना, स्टिमुलस आया तो मतलब क्या हुआ, आपका वोल्टेज चेंज हुआ ना। इसी तरह से जैसे जैसे वोल्टेज चेंज होता है वैसे वैसे ही आयन चैनल्स ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं। तो ये एग्जांपल आ गया कैल्शियम और सोडियम चैनल्स का वोल्टेज गेटेड में। लिगेंड गेटेड बहुत अच्छा एग्जांपल ले लो, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन के दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, दो तरह के चैनल्स होते हैं। हम एन रिसेप्टर्स की बात कर लेते हैं। एन मतलब जिनको हम बोलते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स, है ना, निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे जाके एसिटाइल कोलिन बाइंड होता है, तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। जब वो ओपन होते हैं तब जाके आगे आयन्स को एंट्री लेने देते हैं, ठीक है।
तो कौन से आयंस को एंट्री लेने दे रहे हैं? सोडियम आयंस को, ठीक है। अगला आ जाता है मैकेनिकल गेटेड। मैकेनिकल गेटेड का सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मिल जाएगा कहाँ पर? हेयर सेल्स में। हेयर सेल्स कौन सी? ऑर्गन ऑफ कॉटाई, जो आपके कान में प्रेजेंट होता है ना, जिसके कारण हम सुन पाते हैं। उसमें क्या होता है, जब साउंड वेव्स हमारे कान में एंट्री करती हैं तो उसकी वजह से सीलिया होते हैं ना, हेयर सेल्स जो होती हैं सीलिया, वो सीलिया मूव करते हैं और उस मूवमेंट के वजह से पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया मैकेनिकल गेटेड का। नेक्स्ट आता है इसके अंदर फैसिलिटेटेड या फिर कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड और कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जो है वो थोड़े लार्जर मॉलिक्यूल कैरी करते हैं और ये जो लार्जर मॉलिक्यूल है ये किसी कैरियर प्रोटीन के मदद से ही अंदर की तरफ मूव हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैरियर इस्तेमाल हो रहा है वो उसको कैरी करता है, कंपाउंड को कैरी करके अंदर तक छोड़ के आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें थोड़ा दूर जाना होता है, हम ऑटो रिक्शा में बैठते हैं और वो ऑटो रिक्शा हमको वहाँ तक छोड़ के आ जाती है, इसको हम बोल रहे हैं, इस ऑटो रिक्शा को हम कह रहे हैं कैरियर, और हम कौन हो गए? मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर ले लो ग्लूकोज और अमीनो एसिड। ग्लूकोज और अमीनो एसिड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है, क्योंकि दोनों ही ना डायरेक्टली डिफ्यूज नहीं हो सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली डिफ्यूज नहीं हो सकते हैं, इसलिए क्या करते हैं, कैरियर की मदद लेते हैं और उस कैरियर पे दोनों अटैच हो जाते हैं और उसके बाद में ये दोनों मूवमेंट शो करते हैं अपना, ठीक है, ECF से ICF में। अगला आता है स्पेशल टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। स्पेशल टाइप की पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, बल्क फ्लो, फिल्ट्रेशन और ऑस्मोसिस, ठीक है। बल्क फ्लो यानी कि अगर सेल के एक तरफ बहुत ज़्यादा बल्क में कोई चीज़ प्रेजेंट है और दूसरी तरफ कम है तो वो इजीली डिफ्यूज होकर आगे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा भर जाता है, ऑटोमेटिकली आपके ब्लड वेसल्स में चला जाता है। अगला आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन यानी फिल्टर होना, फिल्टर होना यानी पोर्स के थ्रू फिल्ट्रेशन, कुल मिला के ये कहाँ होगा? ग्लोमेरुलस, किडनी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर कोई कंपाउंड ग्लोमेरुलस में बहुत ज़्यादा है तो वो आराम से छन छन के बाहर निकलता जाएगा, कहाँ? आपके वुमेन्स कैप्सूल में, ठीक है, और फिर नेफ्रॉन के ल्यूमेन में, ये अलग कहानी है कि उसके बाद में वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। अगला है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस तो सभी लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। देख रहे हो ना, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन दिख रही है सॉल्यूट की, यहाँ पे हाई दिख रही है, ब्लैक ब्लैक सॉल्यूट है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूट की लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कौन मूव कर रहा है, ये पिंक पिंक दिख रहा है, कौन मूव कर रहा है? सॉल्वेंट मूव कर रहा है, ना कि सॉल्यूट मूव कर रहा है, सिर्फ सॉल्वेंट मूव कर रहा है, ठीक है, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये है ऑस्मोसिस, ठीक है। ये कहाँ देखने को मिलता है? नेफ्रॉन में देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगला आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी होती है अपहिल प्रोसेस। अब मान लो एक पहाड़ है, तुम्हारे पास वही बॉल है जो तुमने ऊपर से लुढ़काई थी, लुढ़क के नीचे तो चली गई, क्या अब वो खुद से ऊपर आ सकती है? नहीं आ सकती। अब अगर उसको ऊपर आना है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए जो कि उसको ऊपर तक पहुंचा सके। तो बस यही होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहां पे आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इसको कहते हैं अपहिल प्रोसेस। ये होता क्या है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अगेंस्ट द केमिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। यानी कि यहाँ पर जो सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो रहा है वो केमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रहा है। अब तुमने अगरबत्ती एक कोने में लगाई थी, उसकी खुशबू ज़्यादा से कम की ओर नहीं जाएगी, अब ये जो खुशबू है ये अपने मर्जी से कम से ज़्यादा की ओर भी जा सकती है, लेकिन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। अब यहाँ की बात कर लो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ना पहले समझो कि जो मूवमेंट हो रहा है उसमें ज़रूरत किसकी है, भैया एनर्जी की ज़रूरत है ना। अब एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है तो यहाँ पे मूवमेंट जो है वो एक बार में एक ही मॉलिक्यूल का या एक ही आयन का ज़रूरी नहीं कि हो, एक साथ दो का भी हो सकता है या एक का भी हो सकता है। तो जब एक का होता है तो उस चैनल को जो कि मूवमेंट करवा रहा है उसको हम कहते हैं यूनिपोर्ट, यानी कि एक को कराने वाला, एक को मूव कराने वाला, यूनिपोर्ट। और अगर वो दो को मूव करा रहा है तो डिपेंड करता है भाई दो को कहाँ मूव करा रहा है, सेम दिशा में या अलग अलग दिशा में। अब यहाँ पे डायग्राम को देखो, यहाँ पे एक ही है, ECF से ICF में आ रहा है, यूनिपोर्ट हो गया। सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट दो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे।
जब कभी दो मोएटी एक साथ मूव करती हैं तो वहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, या तो सिम्पोर्ट या तो एंटीपोर्ट। सिम मतलब सेम, दोनों मोएटी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उस चैनल को कहेंगे सिम्पोर्ट, अगर अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है इस तरह से तो उसे कहेंगे एंटीपोर्ट। हाँ जी, तो अब इसके अंदर फर्दर आ जाते हैं दो तरीके के एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहले को हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जिसके अंदर आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, एनर्जी की, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ताकि मूवमेंट ईजिली हो सके। हाँ जी, तो अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम किसकी बात कर ले रहे हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, सोडियम और पोटेशियम के ट्रांसपोर्ट के। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस नाम का एक चैनल प्रेजेंट होता है, इसे हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना सोडियम को और पोटेशियम को। ये ईसीएस से पोटेशियम के दो मॉलिक्यूल उठाता है और उनको, दो आयन्स उठाता है और उनको एंटर करवा देता है आईसीएफ में, और आईसीएफ से तीन आयन लेता है सोडियम के और उनको कर देता है सेल के बाहर। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का है। क्यों? क्योंकि एटीपीएज नाम में ही जवाब है, एटीपी की जरूरत है यहाँ पर इस मूवमेंट में, एटीपी की जरूरत है, इसलिए इसको हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में काउंट करेंगे। दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसके अंदर हमको एनर्जी की जगह किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सोडियम की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि एनी हाउ यहाँ पे कोई भी कॉम्पोनेंट ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा उसके साथ सोडियम तो करेगा ही करेगा, तो इसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जांपल के लिए दो चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। देखो पहला होता है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, यानी कि सोडियम और ग्लूकोज एक साथ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा होता है काउंटर ट्रांसपोर्ट, काउंटर यानी कि दोनों अलग अलग दिशा में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे सोडियम है, ग्लूकोज है उसके साथ में, तो ये एक तरीके का काउंटर को ट्रांसपोर्ट है। को यानी दोनों साथ में, दोनों ईसीएफ से आते हैं और आईसीएफ में चले जाते हैं, है ना, तो एक साथ एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं। ये हो गया सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, सोडियम की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, हो गया ना सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा आता है सोडियम काउंटर ट्रांसपोर्ट, सोडियम का काउंटर ट्रांसपोर्ट किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में। यहाँ पे देखो आईसीएफ से हाइड्रोजन आता है, ईसीएफ से सोडियम आता है, दोनों गोल गोल घूम जाते हैं और सोडियम चले जाता है आईसीएफ में और हाइड्रोजन चला जाता है ईसीएफ में। ये सब कहाँ देखने को मिलता है, आमतौर पर ये सब देखने को मिलता है नेफ्रॉन के अंदर, है ना, नेफ्रॉन के अंदर ही सबसे ज़्यादा चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, वही सब जानते हैं, वहाँ पर मूवमेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे मूवमेंट की। अगला आता है स्पेशल टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तीन तरीके का होता है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और ट्रांससाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस यानी कि सेल के अंदर जाना, एक्सोसाइटोसिस यानी कि सेल से बाहर आना, ट्रांससाइटोसिस यानी कि सेल के अंदर से बाहर निकल जाना, बिल्कुल आसान शब्दों में। ठीक है, एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एंडोसाइटोसिस के अंदर हो जाती हैं तीन अलग अलग टाइप्स, कौन कौन से, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अब तीनों को डिटेल में समझ लो। पहला आता है फेगोसाइटोसिस, फेगो यानी खाना, इंगल्फ करना, है ना। फेगोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है, अगर सेल के बाहर कोई सॉलिड सब्सटेंस है और उसको सेल के अंदर जाना है तो सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इस तरीके से मूव होती है और सूडोपोडियम बनाती है ना, और ये जो सूडोपोडिया है ये इस तरीके से उस सॉलिड सब्सटेंस को कवर कर लेते हैं पूरी तरीके से और अंदर की तरफ एक वेसिकल फॉर्म में ले आ करके अंदर की तरफ डिलीवर कर देते हैं। इस तरीके की जो वो है प्रोसेस, इसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। यहाँ पे याद क्या रखना है, यहाँ पे याद ये रखना है कि यहाँ पे जो भी सब्सटेंस इस्तेमाल होगा वो कैसे नेचर का होगा, सॉलिड सब्सटेंस होगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट आ जाता है जिसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, पिन्ना, पिन मतलब पीना। ठीक है, पिनोसाइटोसिस के अंदर क्या होगा, एक लिक्विड ड्रॉपलेट होगी, जो भी कोई लिक्विड ड्रॉपलेट, उसको सेल अपने अंदर एंट्री देगी। ठीक है, मान लो यहाँ पर ये लिक्विड ड्रॉपलेट है, इसको क्या किया, सेल ने कवर करने की कोशिश की और अंदर की तरफ एक वैक्यूल बना दिया। ठीक है, तो ये सब कैसे हो रहा है, ये भी इंगल्फिंग के थ्रू ही हो रहा है, बस यहाँ पे भी क्या हो रही है, वेसिकल्स बन रही है और वेसिकल्स के अराउंड आपका ये जो वेसिकल्स बन के अंदर की तरफ जा रहा है जो भी आपका लिक्विड ड्रॉपलेट है या जो भी एंडोटॉक्सिन वहाँ प्रेजेंट है वो। अगला आ जाता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, यानी कि यहाँ पे रिसेप्टर की जरूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पे ना सेल के मेम्ब्रेन पे कुछ स्पेशलाइज्ड पिट्स प्रेजेंट होते हैं, उन पिट्स में नीचे की तरफ ना कुछ पिट प्रोटीन्स होते हैं, तो ये जो पिट प्रोटीन्स होते हैं
इन पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट है ऊपर की तरफ, यहाँ दिखाई दे रहा है। आपका जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी प्रोटीन है, वो इस पे आके स्टक हो गया। स्टक होने के बाद में आगे क्या होगा, इस तरीके से ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये गोल घूमेगी और इस तरीके से पिट और तेज बढ़ता जाएगा। ये पिट बढ़ किसके मदद से रहेगी, जो नीचे आपको पिट प्रोटीन दिख रहा है ना, इनकी मदद से, ठीक है। और ये जो रिसेप्टर है ना जिसपे वो बाइंड हुआ है आके, इस रिसेप्टर को हम कहते हैं क्लैथरिन, ठीक है। फिर ये इस तरीके से एक पूरी वैक्यूल बन जाएगी और ये वैक्यूल अंदर की तरफ चली जाएगी सेल के। और ये मूवमेंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, हॉर्मोन्स, लिपिड, ग्रोथ फैक्टर, कुछ वायरसेस, इन सब के ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाला, यही एक अलग तरीके का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। अगला आता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है, यहाँ पर सेल के अंदर का जो मटेरियल होता है वो सेल के बाहर जाता है। इसके अंदर क्या होता है, धीरे धीरे सेल के अंदर प्रेजेंट जो भी कंपाउंड है उसके ऊपर वेसिकल्स होती हैं, वो वेसिकल्स मूव करती हैं कहाँ पर, वो मूव करती हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ। सेल मेम्ब्रेन और वेसिकल की मेम्ब्रेन दोनों फ्यूज होती है, ओपन हो जाती है और रिलीज हो जाती है। ये आमतौर पर कहाँ देखने को मिलता है, ये जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन में न्यूरोट्रांसमीटर का जो रिलीज होता है वो इसी तरह से होता है एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, है ना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम की वजह से ही क्या होता है, स्क्वीजिंग होती है, और स्क्वीजिंग की वजह से ही ये जो वेसिकल्स हैं ये आगे बढ़ती है, जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फिल्ड रहता है, ये जो एक्सोसाइटोसिस ये वाला है ना। अगला आता है ट्रांससाइटोसिस। ट्रांससाइटोसिस के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल है वो पहले सेल के बाहर है, वो सेल के अंदर एंट्री लेगा और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएगा। अब ये कैसे हुआ, ये सेल के अक्रॉस माइग्रेट करता है ना, और यहाँ पे जो अंदर वैक्यूल्स या कह लो वेसिकल्स बनती हैं, उन वेसिकल्स को हम कहते हैं कैवियोली, ठीक है। कैवियार सुना होगा शायद सभी लोगों ने, कैवियोली, या नॉर्मल शब्दों में बात कर लो तो यहाँ पे सब्सटेंस अंदर आता है एंडोसाइटोसिस की मदद से और बाहर चला जाता है एक्सोसाइटोसिस की मदद से। एग्जांपल के तौर पे जो एचआईवी होता है ना, उसका मूवमेंट, उसका ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट इसी तरीके से होता है, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले सकते हो, जो एथेरोमा फॉर्मेशन होता है ना, एलडीएल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी इसी तरीके से मूव करते हैं हमारी जो एपिथीलियल लेयर होती है ब्लड वेसल्स की उसमें, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, छोटा छोटा कहते हुए लंबा सा वीडियो हो गया क्योंकि बहुत सारी मेथड थी इसके अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आपको कोई और टॉपिक पे पढ़ाई करनी हो, टॉपिक में डाउट हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी पीडीएफ की, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।